मिसेस कपूर, प्रिया जी ठीक कह रही, आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए। क्या है ना, वो मुझे उसे नींद आएगी। तो क्या हुआ मिसेस कपूर, आप शादी नहीं अटेंड कर पाएंगी पर इंटरव्यू तो अटेंड कर पाएंगी ना? मॉम प्रिया सही कह रही है, मुझे नहीं लेना है। ठीक है आंटी, अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। वेदिका, ये फैमिली मैटर है, क्या तुम नीचे जा सकती हो? नीचे जाओ, जाकर एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ बात मिसेस कपूर की हेल्थ की हो रही है ना? वेदिका प्रिया सही कह रही है। हाँ प्रिया जी ठीक कह रही है, इनका फैमिली मैटर है, हमें दखल नहीं देनी चाहिए। मिसेस कपूर आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस कपूर, आप इंजेक्शन से डर रही है? जी हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे ये डरती हैं, और इंजेक्शन उसमें से एक है। राम, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती है मिसेस कपूर, पर मेरी गलती की वजह से आपकी दवाइयाँ सब। भैया मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने कहा भी ये आपका बड़प्पन है, लेकिन अगर उस दिन की तरह आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर कपूर को क्या जवाब दूंगी? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरी गलती है। मॉम इंजेक्शन ले लीजिए प्लीज, मेरी खाते। आंटी जी, राम मैं कह रही हूं ना, आई डोंट नीड दिस। मैं तुमसे कह रही हूं ना राम, मुझे इसकी, आओ। इतने सालों में उन्होंने कभी भी इंजेक्शन नहीं लिया, पर आज आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। मैंने इन्हीं से सीखा है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, बस इरादा पक्का होना चाहिए, है ना? आप चिंता मत कीजिए, वैसे आप तो जानती होंगे ना, आफ्टर ऑल 5 साल से यही मेडिसिन ले रही है। मिसेस कपूर, शिवीना के साथ जो हुआ वो अनजाने में हुआ एक हादसा था, पर आप जानबूझकर मिस्टर कपूर को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ से जाने से पहले आपका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी, आप ही के खेल में आपको हराऊंगी। मिस्टर कपूर, मैं और पीहू कल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करके यहाँ से जाएंगे। लीजिए, राम और पीहू के बालों का सैंपल जैसे आपने मांगा था, प्लीज इसका जल्दी से डीएनए टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि डीएनए टेस्ट मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं इन्हें लैब भेजता हूँ, लेकिन सब कुछ अर्जेंट बेसिस पे कराइएगा, मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। आई विल पे एक्स्ट्रा फॉर इट। श्योर, मैं आपको रिजल्ट आने के बाद इन्फॉर्म करता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ बच्चा? मम्मा मान गए जन्माष्टमी बनाने के लिए कि यहां बनाएंगे। जन्माष्टमी यहां बनाएंगे? अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सही है तो इस बार लड्डू गोपाल सच में घर में आएंगे, यही नियति है। गजरे कहाँ हैं? ये रहे गजरे। थैंक यू दी। ये लीजिए। ला, आपको मैं लगा देती हूँ। कितना कुछ बदल देता है ना। 5 साल पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी, हम सब एक साथ ऐसे होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं भी, भगवान ने मेरी सभी बेटियों की जिंदगी संवार दी, तभी तो मेरी एक बेटी इतनी कामयाब है। सारा भी अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ रही है, और मेरी मैत्री जल्दी ही माँ बनने वाली है। तुम तीनों के लिए बहुत खुश हूं, पर बस एक ही बात का पछतावा है, मेरी गलतियों की वजह से मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हर रोज भगवान से यही मनाती हूं कि वो कोई चमत्कार कर दे और तू यहीं रुक जाए, ताकि मुझे तेरे लिए कुछ करने का
प्रायश्चित करने का मौका मिले। मिस सूद, मेरा गजरा कल मुझे भी पहनना है। ये देखो, ये रहा गजरा। एक बात बताओ पीहू, आप इन्हें पहचानते हो? हाँ, मीरा माँ। यही आपको गजरा लगाएंगी। आओ बेटा। पीहू, हर एडवेंचर के एंड में मम्मा आपको एक सरप्राइज देती है ना? हाँ, लास्ट टाइम भी बारिश में आइसक्रीम खाई थी जब हैंसम हमें लेने आए थे। मिसुद, ये एडवेंचर तो बहुत अच्छा स्पेशल है। हाँ, तो सरप्राइज भी बड़ा और स्पेशल होना चाहिए, है ना? पीहू, आप अपनी मम्मा की सारी सिस्टर्स से मिल चुके हो, है ना, जो आपकी मासी है, तो क्या आप अपनी मासी की मम्मा से मिलना चाहोगे? ये आपकी मासीज और आपकी मम्मा की मम्मा, जिन्हें आप मीरा माँ बुलाते हो ना, ये आपकी नानी है। और ये वर्ल्ड की बेस्ट नानी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।